बिहार का वह जिला जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हम बात मधेपुरा जिले की कर रहे हैं। इस बार मामला नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, जहां नगर परिषद द्वारा निकाली गई योजना के टेंडर को लेकर मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के बीच विवाद गहरा गया है। मुख्य पार्षद के खेमे के ही 18 पार्षदों ने आवेदन देकर कार्यपालक पदाधिकारी से टेंडर रद्द करने की मांग की है। इस मौके पर वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के 26 वार्ड में से मात्र 21 वार्डों में योजना दी गई, उसमें भी 9 वार्डों में 10 लाख से कम की योजना का टेंडर निकाला गया, जबकि मुख्य पार्षद अपने और अपनी बेटी के वार्ड में 2.5 करोड़ से भी अधिक की योजना का टेंडर में डाल दिया था। वार्ड पार्षद के काफी विरोध पर कार्यपालक पदाधिकारी ने टेंडर रद्द करने की अनुशंसा करते हुए विज्ञापन प्रकाशन के लिए पत्र जारी कर दिया है। ज्ञात हो कि कुछ दिन बाद ही नगर परिषद का चुनाव भी होना है, जहां अब जनता ही पहली बार नगर परिषद अध्यक्ष की भी चुनाव करेगी। सुनिए इस मामले पर वार्ड पार्षदों ने क्या कहा। देखिए, हम लोग बहुत संघर्ष करके मुख्य पार्षद महोदया को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि माननीय अध्यक्षा महोदय बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन दो इतना टेंडर निकला है उसमें 2 करोड़ की राशि दो ही वार्ड में दिया गया है, जिसमें एक 6 है और 19 में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि माननीय अध्यक्षा महोदय को दो ही वार्ड नजर आया, आखिर 2600 वार्ड की जनता कहाँ जाएगी? उनके सुख दुख का उनको ख्याल ले रहा, कहीं उनको कच्ची सड़क नहीं दिखाई दी? तो हम लोग कार्यपालक से समय मांगे थे, कार्यपालक 3 बजे का समय दिए थे, हम लोग मिले थे, बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई, उन्होंने इस टेंडर को रद्द करने के लिए हम लोग को आश्वस्त किया। 5.5 करोड़ का लगभग टेंडर निकाला गया और काफी विवाद हो रहा है। आरोप है जो मुख्य पार्षद के वार्ड में ज्यादा टेंडर गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ ये? 5.5 करोड़ का टेंडर निकाले नगर परिषद के द्वारा, लेकिन वार्ड पार्षदों ने मीटिंग बुलाई और उन लोगों को लगाया कि इसको कैंसिल किया जाना चाहिए, सभी को बराबर नहीं आया इसी दम।